हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के युवाओं के लिए, विशेषकर मेडिकल लाइन में भर्तियों का सबसे बड़ा पिटारा खोला है। पहले कुछ वैकेंसियां निकली जिनमें पदों की संख्या कम थी, बच्चों ने हड़ताल की, सीएम को ज्ञापन दिया और उसकी बदौलत अब मेडिकल लाइन में अलग अलग वैकेंसी जो आ रही है, जो आ चुकी है, उनमें पद बढ़ा दिए गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम किए हुए जो बंधु हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, सुखद खबर है। विशेषकर जो राजस्थान के युवा है उनके लिए ये बहुत ही खुश खबर है। देखिएगा तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें पद बढ़े हैं और किस वैकेंसी के अंदर कितने पद आने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, राजस्थान के अंदर ये वो वैकेंसियाँ हैं बच्चों जिनमें पदों को बढ़ाया है और सीधा डबल ही किया है बच्चों। देखिए, एएनएम की भर्ती तो आ ही चुकी है, आपको पता ही है। और एएनएम की जो भर्ती आई है, पहली बार एएनएम का एग्ज़ाम के बेस पे वैकेंसी हो रही है, मतलब एग्ज़ाम होगा और उसके नंबरों के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो एएनएम की जो पहले भर्ती आई थी वो 1155 पदों के लिए थी, अब उन पदों को बढ़ा करके 2724 कर दिया है। तो लगभग 3000 के आसपास एएनएम की ये वैकेंसी है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है, इसलिए जिन भी बालिकाओं ने एएनएम कर रखा है उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और इसके फॉर्म एक सप्ताह के बाद ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। अब अगर बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की पहले 2000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी, अब उसके पद को बढ़ा करके 2834 कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है, फार्मासिस्ट को बड़ा ही लंबे समय से इंतजार था और अब ये वैकेंसी आपकी दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अब अगर अपन बात करें लेब असिस्टेंस यानी लेब टेक्नीशियन की, लेब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ये जिनके पैरामेडिकल डिप्लोमा किया हुआ है, जिनके डीएमएलटी किया हुआ है, जिनके डीआरटी किया हुआ है, उनके लिए ये भर्ती आ रही है। ये भर्ती पहले 1000 पद पर प्रस्तावित थी, अब इसके पद बढ़ा करके 1200 कर दिए हैं। और सबसे बड़ी अगर पदों में बढ़ोतरी हुई है तो वो नर्सिंग ऑफिसर के पदों में बढ़ोतरी हुई है। जो बीएससी नर्सिंग किए हुए लड़के हैं, जो बीएससी नर्सिंग किए हुई लड़कियां हैं, जिनको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जिनको फर्स्ट ग्रेड नर्स बनना है, जिला स्तर के, पंचायत समिति स्तर के, तहसील स्तर के, जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके अंदर बच्चों नर्सिंग ऑफिसर की जो है वैकेंसी आने वाली है। और ये पहले 1290 पोस्ट पर जो है प्रस्तावित थी, इसके पद बढ़ा करके टोटल 6000 कर दिए हैं। तो ये वो भर्तियां हैं जो हमारे मेडिकल क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं सुकून और एक खुश खबर चेहरे पर मुस्कान लेके आई है उन बच्चों के लिए जिनके बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, जिनके जीएनएम, पैरामेडिकल, फार्मेसी किया हुआ है। सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वालों को हो रहा है और इसके अलावा एएनएम वालों को फायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैं सुझाव देना चाहूँगा, जितनी भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने एएनएम कर रखा है उनको मैं कहूँगा आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हमने एएनएम के लिए एक ऑनलाइन बैच भी शुरू किया है और उसमें हम क्लास 14 नवंबर से शुरू कर रहे हैं मंडे से। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, एएनएम में सलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन से ज़रूर जुड़िएगा। राजस्थान में अभी सीएचओ की भर्ती भी आई हुई है, ठीक है। सीएचओ को लेकर के भी
विजय एजुकेशन के ऊपर जो है एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, एक मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत सारे मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। मात्र 790 रुपये इसकी फीस रखी है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है विजय एजुकेशन से जुड़ करके वो कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड तो भी आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहूँगा मेरे उन सभी बच्चों को और अभिभावकों को जिन्होंने फार्मेसी कर रखा है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कर रखा है, जिन्होंने डीएमएलटी और डीआरटी कर रखा है और जिन्होंने एएनएम कर रखा है, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा आप तैयारी करिएगा, इस भर्ती को अपने हाथों से नहीं जाने दीजिएगा। चुनावी साल है और भी पद बढ़ेंगे, ठीक है, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, मेडिकल लाइन की सबसे बड़ी भर्ती है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 और 3 9 10 और करीब करीब 15,000 पदों पर ये भर्ती है। 15,000 पद मेडिकल लाइन में कम नहीं होते हैं और 3500 पदों पर पहले से ही सीएचओ की भर्ती निकली हुई है, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए 15,000 से भी ज़्यादा पदों पर ये भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई इतने पद हैं, अब भी अगर जॉब नहीं लगेगी तो फिर कमी किसकी मानी जाएगी बताओ। 15,000 के लगभग ये पद हैं, 3500 पद अलग से सीएचओ के आए हुए हैं, यूँ जोड़ते हैं तो 17-18 हज़ार पद हैं, ठीक है ना। तो आप इन भर्तियों का फ़ायदा उठाइए, तैयारी करिए। आपकी इच्छा है तो ऑनलाइन बेस से जुड़ के पढ़िए, आपकी इच्छा है तो घर पे बैठ के तैयारी करिए, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, ठीक है, आपकी इच्छा है तो ऑफलाइन बेस ज्वाइन करिए, जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी तरीके से आप पढ़ते हैं बच्चों आप पढ़िएगा, अपने सपनों को पूरा करिएगा। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आगे भी मेडिकल लाइन में इसी प्रकार से भर्तियाँ आने वाली है, भर भर के भर्तियाँ आने वाली है। इसलिए ये वो फील्ड है मेडिकल लाइन का जहां पर आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए दोस्तों आप अगर विजय एजुकेशन पर नए हैं तो इस परिवार से जरूर जुड़िएगा। अपना विजय एजुकेशन के नाम से ऐप है, उसको भी जरूर डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।